कोई तोता नहीं हूं कि उनसे सुना रहा आपको सुना दूं। पहले खुद पर किया है, प्रैक्टिकल करने के बाद यहां तक आई हूं, वरना मैं इतना बोलने का साहस था? यहाँ कई लोग बैठे हैं जहां मेरी पहली बार भजन गाया था दो कथाओं में, ये डीके भैया भी थे। पर्दा लगता था मेरे आगे, पब्लिक को देखने की हिम्मत नहीं थी मेरी। सोचो आप, जब हम सकारात्मकता का अनुसरण करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। यही बात है, मेरा यही उद्देश्य है। व्यासपीठ का मतलब धर्म का प्रचार करना, व्यवसाय करना नहीं। और धर्म मजबूत होगा तो यहां से बोलना सार्थक होगा। पैसा ही कमाना हो तो कपड़ा दुकान खोल ले, भगवान रो नाम ले, उधर तो वो भरेला ही उरे भरज है। जन्म दियो तो पाले लकी ने न्याल करेला, भेजियो तो करनी पड़े, हक है उस पर अपना। लेकिन हम हक मानते नहीं है, हम स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तब ये डर बनता। तो कोई भी देवता है उनका जीवना भाग राइट हैंड राइट पोर्शन शक्ति को सर्जन करता है, और सर्जन करने के हाथों में शस्त्र पकड़ाओगे तो विनाशकारी होंगे। किसी भी देवता के जीवने भाग में शस्त्र नहीं पकड़ाओ मूर्ति रूप में, और किसी भी देवी के उल्टे हाथ में बाएं हाथ में शस्त्र मत पकड़ाओ। अब क्या पकड़ाओ? देवी के बाएं हाथ अगर वो अष्टभुजा है, पुष्प पकड़ाओ, ग्रंथ पकड़ाओ, कटोरा पकड़ाओ, झंडी पकड़ाओ, माला पकड़ाओ, जितनी भी सकारात्मक वस्तुएं हैं वो पकड़ाओ, और जीवने हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़ाओ, तब वो स्वरूप सही होगा। और कोई भी देवता है तो उनके जीवने हाथ में यही सकारात्मक वस्तुएं आशीर्वाद, जो भी झंडी माला शस्त्र नहीं होना चाहिए। और शस्त्र होगा देवताओं के तो उल्टे हाथ में और देवी के सीधे हाथ में, और देवी का आशीर्वाद भी उसी उल्टे हाथ से होना चाहिए और देवता का जीवने हाथ से। सारे प्रमाण है। और जिसको भी थोड़ा भी ऐतराज हो तो इस टीवी के माध्यम पर नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, गुरुदेव के स्वयं के भी नंबर आ रहे हैं। आप वार्तालाप कीजिए, जय सियाराम आश्रम में आकर मिलन कीजिए, तर्क वितर्क करोगे, बातचीत करोगे तो कुछ समाधान भी निकलेगा। और प्रमाण के बिना इतनी बड़ी बात थोड़ी कह सकते हैं। और अगर देवी देवता साथ में बैठे हैं, बाप जी महाराज की कृपा से, अनुसंधान से, प्रयास से, और उनकी समिति वालों के प्रयास से आज हजारों जगह सही मूर्तियां लग चुकी हैं, हजारों जगह। सर्व मंगल कार्य सुपत्नी तिष्ठति दक्षिणे, सर्व दक्षिणे पत्नी वाम भाग चतुष्टये। हमेशा मैं परसों भी पूरी जानकारी दी हूं इस विषय पर। सारे मंगल काम में पत्नी जीवने साइड में होती है। जय सियाराम, जय राधेश्याम, जय गौरी शंकर, जय लक्ष्मी नारायण। अपने अपने माता पिता की जय। साधारण बात, लेडीज फर्स्ट। और संस्कृत दादी हमारे शास्त्र कह रहे हैं, सर्व मंगल कार्य सुपत्नी तिष्ठति दक्षिणे। तो पहले देवी को बिठाया जाएगा, फिर देवता को। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत, गणेश पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें क्या है? ये शास्त्रों से ही उठाई हुई, कोई मनगढ़ंत थोड़ी है। हम परंपरागत देख लिया कर, परंपरा भी कहां पुराने टाइम। आज परदादारे आगे केवन जावे तो नाम ही को नहीं याद लोगों ने। तो सुधार करो, जागो जब सवेरा है। और ये आपके हित के लिए, संसार भर के हित के लिए, विश्व भर के हित के लिए बात हो रही है, खाली मेरे आत्म कल्याण की या उसके सुधार की बात नहीं हो रही। और देखो, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। कई जगह सही मूर्तियां हैं, जहां हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा है, जीवने में पहाड़ है, आशीर्वाद है, और पूंछ अगर है, सर्व मंगल कार्य सुपत्नी तिष्ठति दक्षिणे। हनुमान जी की पत्नी है पूंछ,
सबको पता है, तो वो राइट भाग में होनी चाहिए, जीवने भाग में। अब अगर मूर्ति सही है तो गलती क्या करते हैं, उस पर तेल और सिंदूर चढ़ाते हैं। अरे घृत रे सिंदूर तारे चढ़े रे चूर मो, घृत रे सिंदूर तारे चढ़े चूर मो, सही है। पर थे खोटा भजन गाओ तेल सिंदूर चढ़े, थे घी कर दियो नी अमार भेलो रे सुंदर की हेड़ो भाई। घृत सिंदूर चढ़े चूर मो, देखो जब गौ माता का घी होता है उसमें जब सिंदूर मिलाया जाता है, सिंदूर में पारा होता है, जब वो घी के साथ मिलता है तो उसमें एनर्जी होती है, तब हनुमान जी ने भागो बड़े आप अभी लगावा तो कही कहे घी सिंदूरी टिक्की लगावड़ी कोई नकारात्मक ऊर्जा को नहीं गगरे रे, कहे कि नहीं कहे तेल में कई काम करी हो, गाय के घी में तो एक डिबकी लगाओ पर गौ माता घी में गोल लगाओ, थोड़ो खाणो चोखो खाणो। अरे देसी गाय मां है, भैंस मासी है, पर अंग्रेजी गायों तो ये तो आंटी जी है, आंटी जी काकी मासी में तो भेर थोड़ो प्रेम आ जावे, पर ये आंटी जी में केड़ा प्रेम, आ तो पेंट पेर दौड़ जे, काकी मासी तो भेर लाड कर ली बाड़ मोरी जे, आओ थप्पड़ मार दे तो दे, आंटी जी तो मुंडे बिगाड़ी, एक कैंसर ही वजह बन रही है अंग्रेजी गायों का दूध, यूरिया रा दूध, आपा राजी वहां गिलास या फरबर पीवा हड्डियां मजबूत होवे, आ कैंसर हर हर चौथे घर में कैंसर है के नहीं है, हर दो घर में डायबिटीज है, हर घर में ब्लड प्रेशर हाई या लो, ए पहली तो कोनिया मारे घर में बुजुर्ग बैठा 90-90 बरसों रा हाल बीपी तो ऊंची नीची कोनी हो, क्योंकि चोखी चीज थोड़ी खाता, भली रोटी भूंबे मु घस खा लेता पर गाय रे गिरी खा, तिर तिर ती नहीं खाओ तो भूमे में ही लगाओ। मेरे कहने का मतलब समझो, गौ की भी महिमा समझो। अरे गाय माँ जी घर में खड़ी हुए वास्तु दोष खत्म हो जावे, पर गाय तो गलियां में घूमे, ऊपर उठे कचरा नखो प्लास्टिक में घाल घाल, भूखा मरती गाय प्लास्टिक खावे पेट में फंस जावे और गाय मर जावे, पचे कहे मैं तो गाय ने रोज चारों खुआओ, मैं तो गौशाला में लपसियों खुआओ, जब तक गलियों में थैलियों फेंको नहीं जब तक सब व्यर्थ है। अरे गौ सेवा गौ रक्षा करण रे लिए कोई थोने गौशाला खोलने की जरूरत को नहीं, थमू नहीं पाली जे नहीं पालो, जो पाल रहे उन्हें धन्यवाद है, पर गलियों में उन्हें मारन रा साधन तो मत करो भाई, ई बात ने समझो। अच्छा हनुमान जी रे, अगर हनुमान जी हो चाहे देवियों हो कैरे भी, अगर आप गणेश जी हो तेल सिंदूर रा भागा कर रिया हो, और सबसे बड़ो दोष है एक बेर वो पतलो पतलो कहीं आवे नहीं, कई कहे मैं नाम भूल गई, मैं लग माली पोनो मैं लगाऊ कौन जन याद को, माली पन्ना क्या है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जितनी कोई अशुद्ध धातु नहीं है, उसके माली पन्ने चढ़ाते हो। अरे घी सिंदूर चढ़ाओ ना, थोड़ो चढ़ाओ, मैं तो कहूं टिक्की लगा लो बाबू राजी हो जी, एक खोटा काम करो विनाशकारी है भाई। कोई भी देवी देवता है पहली देवी पीछे देवता, कोई भी देवी रे उल्टे हाथ में शस्त्र नहीं, और कोई भी देवता रे जीवने में नहीं, हनुमान जी के अगर पहाड़ है तो जीवने में, आशीर्वाद है तो जीवने में, क्योंकि बाएं भुजा असुर दल मारे, यानी अक्षय कुमार सामने आया तो हनुमान जी ने बाएं हाथ से पेड़ उखाड़ा और अक्षय कुमार का संहार कर दिया, उमरे लिए तो बाएं हाथ रा खेल है अपन जीवन, समझ गया आइस तो बात है। अगर शीतला माता में आप कातल गली में उठार लावा लावांगे नहीं, पर है शीतला माँ क्योंकि आपने उसका स्वरूप नहीं बिगाड़ा, वो पत्थर की कातल है, हमने हमारी श्रद्धा है वो भगवान है, लेकिन आप स्वरूप बनाते हो होशियारी करते हो और फिर उल्टे बनाते हो, होशियारी में हार है, या तो बनाओ मत, आप पिंडी पूजो कौन मना करता है, था मैं समझ नहीं आवे घड़ग्राम लाए बैठो कोई आकार प्रकार को नहीं पूजो शिवलिंग पूजो, लेकिन अगर स्वरूप की साधना करनी है पूजा करनी है तो सिस्टम को ठीक रखना पड़ेगा और स्वरूप सही होने चाहिए। बाप जी महाराज
जय सियाराम समिति रे तत्वधान में बहुत प्रयासरत है ये काम ने लेकर, और कई जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगाई, क्योंकि हनुमान जी सकारात्मक ऊर्जा के कारक है। अठे भी चार मूर्तियों की स्थापना, 19 तारीख को चार मूर्तियों की स्थापना हो रही है, 31.5 फुट की चार मूर्तियों की स्थापना हो रही है, 5 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी और 1 मुखी, और विश्व इतिहास में पहली बार 2700 किलो आटे के रोटे का लगेगा भोग। 2700 किलो आटे से एक रोटा बनेगा, उसका भोग लगेगा। बहुत ही शानदार आयोजन, और बाप जी महाराज जहां कहीं भी हो एक बार पधारे तो बहुत खुशी होगी। और यहाँ इस सुंदर आयोजन में जो कोई भी तन मन धन से सहयोग करना चाहे उसका स्वागत है। मैंने धन की बात इतने दिन में नहीं की, क्योंकि मारी आदत कौन, मैं रोज सोचू के क्या ऊपर मारू बोली जो कौन घण धन माथे आज गड़बड़ है, लेकिन आज क्यों, क्योंकि अब आज रो दिन मायरो है काले अठे। कल यहाँ पर चार कन्याओं की शादी है, 5 कन्याओं की शादी है बाप जी महाराज के सानिध्य में, जय सियाराम समिति के तत्वधान में 5 कन्याओं की शादी भी है। और परसों बहुत ही सुंदर आयोजन, हनुमान जी महाराज की विशाल मूर्तियों की प्रतिष्ठा, भंडारा सब है। जो कोई भी सहयोग करना चाहे, जो कोई टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, यहाँ टीवी पर अकाउंट नंबर लिखे हुए आ रहे हैं और फोन नंबर भी लिखे हुए आ रहे हैं, जो भी सहयोग करना चाहे फोन के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। और जहां तक हो सके जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कोई भी प्रश्न उठ रहा हो फोन पर बात कर सकते हैं, कोई भी समाधान करना हो बाप जी महाराज से आकर मिलकर बात कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अपने घरों की पूजा पद्धति को ठीक कीजिए, अपने पितरों की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, बाहरी पितर लाकर घर में मत डालिए, थोड़ी सी सकारात्मक बातों को समझिए। मैं यही चाहूंगी कि कोई भी जब तक माता पिता जीवित है उनके घर में उनके आंखों के सामने किसी पुत्र को जाते हुए ना देखे, किसी अकाल मृत्यु को अपने घर में ना देखे। जान जलती है क्योंकि परिवारों में देख रहे हैं, देख चुके, बस इसीलिए आप सबके बीच में आए हैं कि हर जगह सुख शांति व्याप्त हो। आप अपनी प्रणाली को ठीक करें, और कोई निजी स्वार्थ नहीं है भाई, कथा करने का भी यही उद्देश्य है। बाकी मेरा ठाकुर जी सबको देखने वाला है और देखता है। कल कन्याओं के विवाह का भी यहाँ 12 बजे से जय पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा। परसों हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, भंडारा, 2700 किलो आटे के रोटे का भोग, इसका प्रसारण भी 10 बजे से 1 बजे तक 19 तारीख को टीवी के माध्यम जय पारस चैनल से दिखाया जाएगा। जो कोई भी सहयोग करना चाहे, यहां आकर हाजिरी लगाना चाहे, दर्शन करना चाहे, जो भी सुन रहे हैं किसी को मना नहीं है, सबका स्वागत है। बोलो सावल सरकार की। मैं त्याग मूर्ति जी महाराज से कहूंगी थोड़े ही समय में अपनी, बहुत बहुत सुंदर बोलते हैं और बहुत अच्छी तरह से बात व्यक्त करते हैं, तो मैंने तो कहा भी था कि आप कहेंगे और मैं कहूंगी उसमें बहुत फर्क आएगा, लेकिन फिर भी महाराज जी के मुखारविंद से इसी विषय पर 2 शब्द, उसके बाद पुनः मायरे की कथा में प्रवेश। बोले सावल सरकार की, एडो जयकारो बोला उठे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अभी बैठ जाओ, थाक जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। नरसी जी ने उबाणिया चले कोनी, कुर्सी दो भाई नरसी जी ने, बाकी हैंगो नीचे बैठो। हाँ, ओम श्री सतगुरु वै नमः। ओम श्री परमात्मनै नमः। सुखदेव जी के रूप में बैठी हुई प्रिया सरोज जी, पीछे बैठे हुए गुरुदेव तत्व,
बगल में बैठे हुए सरस्वती पुत्र और मीडिया के माध्यम से सहयोग कर रहे हमारे मित्र तथा मेरी माताओं और भाइयों, देखो एक बड़ी छोटी सी बात है। बिजली नहीं थी तो घर में कैसे प्रकाश करते थे, क्या जलाते थे, नहीं याद है? चिमनी जलाते थे। और चिमनी जब जलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे कालिख शीशे पर, तो क्या करते थे, रोज शाम को पहुंचते थे घर में। झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते, क्यों लगाते हो, गंदगी आ जाती है। ये संसार गतिशील है, प्रकृति गतिशील है, इसमें बार बार विकृति आती है और उस विकृति को हम संस्कृति में बदल देते हैं। कपड़े धोते हो कि नहीं धोते, ये सब करना पड़ेगा। देखो राम राज्य के पहले वहां भी दिक्कत थी, ऐसा नहीं कि आज ही के लोग ऐसे हैं, संसार में ऐसे ही लोग होते हैं जैसे आज बैठे हैं। सबके भीतर विकार होता है और उसी विकार से प्रकृति विकृत होती है। सबके अंदर काम क्रोध मद लोभ मत्सर होता है और उसी से प्रकृति विकृत होती है। राम जी ने इस बात पर सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी संस्कृति सुदृढ़ हो, हमारी सनातन संस्कृति बने, सारे जन ठीक ठाक से रहें, एक व्यक्ति नहीं, एक गांव नहीं, जन समूह संपूर्ण मानव। और हमारी वैदिक प्रार्थना भी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, परिवार जैसा इस संसार को मानते हैं। तो राम जी ने परिवार कैसे ठीक से चले, संसार कैसे ठीक से चले, इस पर गहरे चिंतन किए, गहरे अनुसंधान किए, गहरे प्रयोग किए और उस प्रयोग का ही परिणाम है जिसको हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य वो व्यवस्था है जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो, जिसके मन में कोई शोक नहीं हो और जिसकी आत्मा में कोई उपाधि नहीं हो। हर तरह से पॉजिटिव व्यवस्था, सकारात्मक व्यवस्था का नाम है राम राज्य। राम जी के काल में चला, कालांतर जैसे काली खा जाती है वैसे उसमें भी काली खाई। आते आते एक इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसको हम महाभारत कहते हैं। आपको पता है महाभारत में कितने लोग थे, जितनी आज आबादी नहीं है, और मारे गए सारे, निगेटिव हो गए थे इसलिए सारे के सारे, और बचे कौन थे, नौ, और नौ में भी दो भाग गए, साथ ही बचे थे पूरे महाभारत में। जब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी महाप्रयाण को गए तो परीक्षित बालक था, परीक्षित को तिलक लगा के कि भाई भैया आज से तू राजा हो गया, अब हम तो जा रहे हैं, हमारा शरीर खत्म होना है, अब हमको यहाँ रुकना नहीं है, हम जा रहे हैं, सारा देख लिया। तो परीक्षित कहा कि हमारी तो बड़ी छोटी उम्र, कहा जो तेरी उम्र है तू संभाल। परीक्षित सोचने लगा कि पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी, राम के राज्य में किसी तरह का किसी को तकलीफ नहीं था, कोई शोक नहीं था, कोई दुख नहीं था, आज ये आ कहां से गए। तो परीक्षित ने फिर उसी शोध को प्राप्त किया, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, सकारात्मकता की कमी होती है, परमात्मा उसको ठीक करने के लिए किसी न किसी को, तो ताली बजाओ ना यार। अब इन्होंने भी इसी बात को सोचा है, थोड़ी परीक्षित की बात जरूर करूंगा। परीक्षित के राज्य में आने से कलयुग डरता था, सब जगह जा सकता था परीक्षित के राज्य में, क्यों बोलो, जिस घर में साफ सफाई हो, प्रकाश हो, वहां कीड़े घुसते हैं क्या, सांप घुसता है क्या, और जहां कचरा होगा वहां क्या होगा, वो अपना रहने की जगह बना लेंगे, केवल घुसेंगे नहीं। तो परीक्षित ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी थी जो राम राज्य के बराबर थी, और परीक्षित की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कलयुग साहस नहीं कर सका, तो कलयुग सामने आया और अभय दान लिया। परीक्षित उदार राजा है, राजा का कर्तव्य है जो उसके शरण में आए चाहे वो जैसा भी हो उसको अभय दे। परीक्षित ने अभय दिया और चार स्थान रहने के लिए दिया, लेकिन कलयुग भी कोई साधारण नहीं था। कलयुग ने कहा महाराज चार तो अपने मन से दिए हो, एक मेरे को और चाहिए। क्या मांगा था, अरे क्या मांगा था कलयुग ने परीक्षित से, कहां रहने के लिए, सोना, और उसी समय मुकुट में प्रवेश कर गया, जरासंध का मुकुट था। तो आज सारी विकृति कहां प्रवेश कर गई है, अहंकार में, धन में, और हम सबके सब परेशान हो गए हैं।
हम भीतर से भी दुखी हैं और दुनिया को भी दुखी करते हैं। समाज इतना विकृत हो गया है कि प्रकृति दुखी हो गई, कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है। आज इतनी नकारात्मकता फैल गई है कि धीरे 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 हम अशांति के तरफ, दुखों के तरफ, जो हम करते हैं सुख के लिए वही दुख में बदल जाता है। तो हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, कैसे इससे निजात पाएं, कैसे इसको ठीक करें। उस दिशा में बाबू जी ने जो सोचा है कि हमारी उपासना की पद्धति ठीक हो जाए, हमारे देवताओं के स्वरूप ठीक हो जाए। यदि स्वरूप की पूजा करते हो तो देखो, ये जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, विज्ञान मानता है, ये सब पिंड रूप में है। पिंड का कोई स्वरूप नहीं होता, गोबर का वो बनाते हो ना गोल गोल, सुपारी में गणेश जी बना देते हैं। तो जहां स्वरूप नहीं है वहां झंझट है ही नहीं, जब स्वरूप होगा तो फिर झंझट। अब देखो तस्वीर बनी हो केले की और नीचे लिखा हुआ आम, संकट में पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, क्या मानोगे उसको? तो जिसकी तस्वीर हो, जो शब्द है उनके अनुकूल हो, जो मंत्र है उनके अनुकूल हो। और हमारे यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है, सारी विकृति आने के बाद भी शास्त्र और संत सुरक्षित है, जिनसे आशा की जा सकती है कि इस विकृति को मिटा देंगे। विश्व में कहीं भी इन बातों पर सोचने के लिए किसी को, सब नून तेल लकड़ी में लगे हुए। तो आज जय सियाराम समिति के तत्वाधान में जो निष्कर्ष निकाला है, छोटा मोटा जो प्रयोग बन सका उसको किया, उसके सकारात्मक परिवार जो परिणाम आए हैं उनसे उत्साहित होकर ये अपील की जा रही है आपसे। संत आते हैं तो कुछ न कुछ परमार्थ करके ही जाते हैं, खाली नहीं जाते। ताली बजाओ इस बात का। एक संत आए, उनका नाम है दयानंद जी। उन्होंने एक आदेश दिया, अरे भाई रोको। लोगों ने कहा हमारे बस का नहीं है, जो भी हो रहा है अंग्रेज करा रहे हैं, सत्ता करा रही है, हम रोक नहीं सकते। तो कहे कि रोक नहीं सको तो टोको, तो आपकी दो जिम्मेवारी है, अपने स्तर पर तो रोको गलत को और दूसरे के स्तर पर टोको, नहीं टोकोगे तो अपराध बनेगा। क्योंकि जितने लोग तमाशा देख रहे थे द्रौपदी के चीरहरण का, सबको कृष्ण ने दंडित किया। दंड चाहते हो या पुरस्कार चाहते हो, ये अपनी भूमिका निभानी है। ज्यादा लंबा नहीं खींच के, मेहराब भी चलेगा, नरसिंह महाराज भी आके बैठे हैं। तो थोड़ा सा मैं एक अपील करना चाहता हूँ इस टीवी के माध्यम से। एक तो नाथ द्वारा जगह है जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, और ठाकुर जी भी कोई छोटे मोटे नहीं है, पूरे दिन ही मेला लगा रहता है। मैं एक दो बार गया हूँ, दर्शन करना भी मुश्किल होता है, बहुत भीड़ आती है। तो नाथ द्वारा में कोई शिव पार्वती की मूर्ति बन रही है, जिस शिव की मूर्ति बन रही है, जिसकी ऊंचाई वहां 200 फीट से ज्यादा है, 250 फीट है। तो कोई भी मूर्ति दुनिया में बने, इस चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि जो अभी प्रिया जी ने कहा है, दो ही रूप में हम पूजते हैं, या तो देवता के रूप में या तो देवी के रूप में, यही रूप है ना। तो देवी का वाम भाग शुद्ध, दक्षिण भाग अशुद्ध, पुरुष का दक्षिण भाग शुद्ध, उल्टा विपरीत नहीं है स्त्री पुरुष। लेकिन जब हम भाग समझाएंगे है पूरा, तो उल्टा समझाना पड़ेगा हमको। तो अगर सही हाथ में, अगर बंदूक में बढ़िया से तैयारी करके गोली भरी और अपने तरफ ही चला लिया, तो दुश्मन मरेगा कि हम मरेंगे? तो हमसे जो बुनियादी गलती हो रही है मंत्रों में, बुनियादी गलती हो रही है स्वरूप के चयन में, इसको तो हम ठीक कर ही सकते हैं। और जो गलत कर रहे हैं उनको एक बार टोक दें ताकि पाप के भागी। खास करके जो देश में बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही है, 8-10 जगह हमने भी बड़ी ऊंची ऊंची देखी, अब सही गलत कभी ध्यान दिया नहीं, लेकिन जो बड़ी मूर्तियां बन रही है, चूंकि उनको देखने ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा दूर तक उनका प्रभाव होगा, वो शुद्ध हो, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अच्छा क्या लगता है, धनुष बाण इस हाथ में रहे चाहे इस हाथ में रहे, बनाने में कोई खर्चा बढ़ेगा क्या? तो इसलिए इस बात को कहें, मदन जी पालीवाल मिराज कंपनी के प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं, और बहुत अच्छी सेवा का काम करते हैं। पूरे राजसमंद जिले में जहां भी जाओ, पेड़ लगा है तो किसने लगाया? मिराज ने। गौशाला खोली तो किसने खोला? और मुरारी बापू की कथा करा। बहुत अच्छा परिवार है,
आपने संपर्क करके उनको भी समझाने का प्रयास किया, कुछ समझे भी, लेकिन पूर्ण सपोर्ट नहीं होने से, या ये कहा जाए कि अभी हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि उतनी बड़ी नकारात्मकता से लड़ ले, तो इसलिए उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अब ये सुनाई दे रहा है कि पूरे देश में भगवान राम की संपूर्णता को, प्रामाणिकता को प्रस्तुत करने के लिए अयोध्या में कोई 500 फुट ऊंची भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसका इश्तेहार आ रहा है कि वो मूर्ति कैसे होगी। बाप जी ने उस मूर्ति को देखा है और उस मूर्ति में भी यही गलती है जो बाकी सब मूर्तियों में। तो इस टीवी के माध्यम से जितने भी सकारात्मक मूर्तियों के पूजक लोग हैं, उनकी संवेदनाओं को लेकर मैं आग्रह करता हूं, अनुग्रह करता हूं और संत के नाते आदेश देता हूं कि धर्म की रक्षा जिसके हाथ में है, वो अगर धर्म का उल्टा काम करेगा तो उसको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। तो उस मूर्ति को सकारात्मक बनाया जाए ताकि हमारी राष्ट्र की गरिमा, हमारे देश का सम्मान जो उस राज्य में था वो आज प्राप्त हो जाए। मैं सबको प्रणाम करते हुए और सबसे एक ही अपेक्षा करता हूं कि केवल आदित्यनाथ योगी सूबे के, जहां राम जी के मंदिर बन रही है, उसके मुखिया हैं, और बड़ा अच्छा अवसर है कि देश में कोई संत मुख्यमंत्री है, और वो संत जो राम का भगत है। तो राम के भगत से हमको ज्यादा आशा है कि राम का भगत है तो राम को सही बनाएगा। रावण का भगत कोई होता तो राम को बनाता ही नहीं। हमारे आदित्यनाथ जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम सोचा तो उसकी मूर्ति यदि वो सही बनाते हैं तो उसका प्रमाण तुरंत मिल जाएगा। अभी जो मूर्ति बना रहे हैं उसके दाहिने हाथ में उन्होंने धनुष बाण और तरकस पकड़ा दिया है, बाण पकड़ा दिया है, तो अगर उसको बाएं हाथ में पकड़ा दें तो भगवान दुष्टों को दंड देंगे और एक हाथ से हम सभी सज्जन लोगों को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि भगवान का अवतार अगर दुष्टों को मारने के लिए और सज्जनों के तारने के लिए होता है तो भगवान के मूर्ति का भी अवतार इसी काम के लिए होता है। सबकी मंगल कामना, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें। थोड़ा सा दो लाइन और बोल दूं क्योंकि ये सब कुछ होगा कैसे, शक्ति कहीं से लेनी पड़ेगी, तो शक्ति को तू भी गा दे, पहले तो गाया नहीं, अब गा देते। गुरु शरणम, 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 गुरु शरणम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कौन से महाराज की, उधर वाले की कि इधर वाले की? दो हनुमान जी हैं, किसकी? दोनों की, तो दो बार बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। दो हैं तो दो बार बोलो। देखो अच्छा तीन है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। उनकी भी हो गई। बाप जी महाराज हमारे बीच विद्यमान है, सादर प्रणाम। देखो बाप जी महाराज पिछले 27 सालों में इसी अनुसंधान में लगे हुए कि विश्व भर में अशांति क्यों है, और उसका परिणाम भी सामने आया, और हम सब प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, सही मूर्तियों की स्थापना हो, और योगी आदित्यनाथ जी तक कोई मेरा संदेश पहुंचा पाए, त्याग मूर्ति जी महाराज का, बाप जी महाराज का, तो जरूर प्रयासरत हो कि राम जी की मूर्ति के बाएं हाथ में
तरकस बाण पकड़ाए और राम जी के जीवने हाथ से आशीर्वाद दिलवाए ताकि वो सज्जनों का उद्धार करें और दुष्टों का संहार करें। बोलो सावल सरकार की जय हो। देखो नकारात्मकता जब फैलती है ना तो मंदिरों में भी गलत काम होने लगते हैं क्योंकि वहां स्वरूप में गलती होती है। आज देखो ऐसे कई मंदिर हैं, मैं कोई एक आद विशेष की बात नहीं कर रही, ऐसे आपको हजारों मिल जाएंगे जहां देवी देवताओं के आगे शराब चढ़ा देते हैं, बलि का बलि लगा देते हैं। आप मुझे बताओ क्या देवी देवता मदिरा पान करेंगे? अपने ही बच्चों का निर्माण करने वाले, अरे जीव जंतु भी तो सर्जन उन्होंने किए, क्या वो उनकी बलि लेंगे? अरे ये तो कूटनीति थी बाहर से आए हुए लोगों की कि ये सनातन धर्म वाले बहुत मजबूत हैं, इनको अगर धर्म छोड़ने को कहेंगे तो गर्दन कटवा देंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, तो इन्होंने कूटनीति की, हमारे देवी देवताओं पर शराब चढ़वानी शुरू करी, बलि लगवानी शुरू करी, हमें चाय पिलानी शुरू करी कि बुद्धि बिगाड़ दो, हड्डियां कमजोर कर दो, हमारी युवा जनरेशन को ये देकर गए जींस, काले कपड़े। अपना मायत कहता काला कपड़ा मत पहनो भाई, देवी नाराज हुए। वे सरल भाषा में समझाते थे, अरे काला कलर गहरा आसमानी कलर शरीर पर ठंडा प्रभाव डालता है, खून गर्म होना चाहिए कि ठंडो? खून ठंडा पड़ गया तो आपा ही ठंडा पड़ जावा। वो अच्छी तरह से जानते थे जिस देश की युवा पीढ़ी कमजोर हो गई उस देश को कौन बचा सकता है। अरे हमारे देश को गांधी जी, ये गांधी जी ने लगाया, अनशन गांधी जी ने किया, तरीका उन्होंने बताया, लेकिन आज भी अगर भगत सिंह, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नहीं होते तो क्या ये देश आजाद हो पाता? अब आज भी बासण मांजता अंग्रेज यार घर में झाड़ू पोछा। जिस देश की युवा शक्ति है, देखो नशेड़ी कर दिया छोरों ने, आज आप बड़े छोटे मोटे गांव में चोरियां हुई, चरस गांजा लिए तो चोरी करे? अरे नशा मुक्त बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, करने से नशा बंद नहीं होगा। आप जब स्वयं का सुधार करोगे, हमें नशा नहीं करना, हम नहीं करेंगे। हर इंसान ये सोचे तो क्या नशा होगा? नहीं हो सकता। ज्यादा टोके तो कहे मोरे पहियो रो खाओ, थोरे पहियो रो खाओ। अरे भाई पैसा तो थारा है पर मन थोड़ी चिंता है, थोर माँ बाप की भी चिंता है क्योंकि जगह एड़ी जे, जारी शरण में बैठी हूं वो हाथ एड़ी जे इरेवास। तो देवी देवताओं रे आगे शराबो मत चढ़ाओ, बलि मत लगाओ, माली पाना मत चढ़ाओ, घी सिंदूर चढ़ाओ, अरे बच्चा भी ज्यादा गहरा कपड़ा ना पहनो, और ए जर्दा पान सुपारी गुटका नशा पत्ता मत करो भाई। जिस देश की युवा पीढ़ी अगर बिगड़ गई तो उसको कौन भगवान भी ना बचा पावे। विवेक से थोड़ा काम लो, विवेक से। ये उम्र खाली बिगाड़ने के लिए थोड़ी है, ये उम्र ही तो देश को आगे ले जाएगी। आज की युवा पीढ़ी तो कल का भविष्य है। तो बोलो सावल सरकार की। परसों जोरदार हनुमान जी की स्थापना, कल ब्राह्मण कन्याओं का विवाह, सब टीवी पर आपको दिखाई दिया जाएगा। जो भी तन मन धन से सहयोग करे, इस पर अकाउंट नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, फोन नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ जगह जगह से पधार कर भी इसका आनंद लो। और आज मायरे की कथा विराम लेगी, चलो जितना भी समय है आगे बढ़ते हैं। तो थारी चीन थारी इजाजत हो जी तो चालू रख, मैं तो मार चालू रहे वहां, तो थर बंद कर दे, मैं तो क्यों बड़ा बोक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आओ कथा में प्रवेश करा फटाफट। विकल हो ये जद नानी बाई
श्याम प्रभु ने छायो ने निकल हो ये जगनानी बारी श्याम प्रभु ने छायो ने राधा रुक्मण संग में लेकर सेठ सांवरो आयो है राधा रुक्मण संग में लेकर सेठ सांवरो आयो है बात भरण ने दान दाय जो बालत भर भर लायो है रथड़ा में बैठा श्री गोपाल सुखदेव जी गुरु बन के आया और नानी रो साक्षात्कार करवा दियो भक्ति आई अटू रथ आया और वटू नानी आमी आमी मिलिया भगवान रथ रोकियो नीचे उतरिया गली वे जो रूप देख रही है बेड़ी भोजाया और इतना गाड़ा देखिया वे लेन ही ले नानी ने हाल विश्वास नहीं है दुखी हो रही है दुख में वापस विश्वास जमाना मुश्किल हो कौन से नगर पधारो लाते कौन ला हो लनिहार दी कौन से नगर पतारो लाते कौन ला हो लनिहार दी नानी भाई रो भात भरण ने जासा में अंजार जी नानी पूछ रही है कौन हो कटे जाओ तो कि मैं तो नानी भाई रो भात भरण जावा नरसी बुलायो है क्यों नरसी थोड़ो कहीं लागे भगवान के नरसी नरसी बिना मैंने पूछे कौन दुनिया में जो पूछे ये नरसी जेड़े लाए तो मैंने पूछे नहीं तो पूछे ही कौन लागे कहीं वो बताओ तो भगवान केवन लागा नरसी जी मारो सेठ पुराणो मारो अन्न दातार जी नरसी जी मारो सेठ पुराणो मारो अन्न दातार जी नानी माई मारे धर्म की बेना नानी माई मारे धर्म की बेना सांवरियो समझावे अब नरसी जी सेठ है तो नानी कुण लागे अरे नानी मारे धर्म री बहन मैं भी रो धर्म भाई और मैं आयो हूँ मायरो भरण हाल भी केवे नहीं कि मेरी नानी भगवान के होशियार है पहली मारो पर तो पूछे लेकिन अठे तो भजनरी आंकड़िया ही बदल दी कवि इतनी देर तो नानी रो रही थी नहीं अब आंसुओं में फर्क आ गयो देखो आंसू भी दो तरह रहा हो जब दुख में आवे तो गरम आवे
आप कदे देख जो दुखी और रोला नहीं तो आंसू गरम आवेला और कड़े कोई खुशी का समाचार होई नहीं तो आंसू ठंडा ठंडा आवे आंख में आंसू रो एहसास बदल गयो मात जुनी जब सावरिया की सारे दुखड़ो दूर हुए मात सुनी जब सावरिया की सारे दुखड़ो दूर हुए रंग बदावा गाती गाती कर कर यो संवाद हुए दासी थारी मर गावे कब से बात निहार रही मन मंदिर में बैठ सावरा मन मंदिर में बैठ सावरा हरख हरख सुन गावे सरवरियारी पाल करी नानी थारा सुन गावे रोवण वाली गुण गावन लागी सारो दुख मिट गयो और कई कह रही है इतनी देर तो कहती कि माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरने आवे अब कई कहवे माँ का जाया वीर बिना तो सावरियो खुद आवे हरक हरक गुण गावे सरवरिया की पाल करी हाँ हरक हरक गुण गावे माता जाया वीर बिना तो सावरियो खुद आवे सरवरिया की पाल करी हाँ हरक हरक गुण गावे अरे माँ का जाया वीर बिना तो मरो सावल वीर आवे राजी भाई भाई मारे हासरा में जार के तू के मारो भाई बोझाई आ गया राधा रुक्मणी गले सू लगाई कहो जाओ भाई कह दो चिंता मत करो जाओ और नानी बाई उमंग ही सुन राधा रुक्मण की बात जल भरती थी छान कर आज अनछाणियों हो ले जाए अब आई रही है मायरो अटे नानी गई अटे भगवान पहुंच गया पनगट पर देखो जूनागढ़ में पनगट अंजार में पनगट क्यों क्योंकि भाई होवे कोई बात फैलावनी होवे नहीं और सैटेलाइट बहुत फास्ट एक भाई ने बीजी भाई ने को और पछे को कहने कहे मती तुम्हारी खास जन धन बताऊ मारी हो गने कहने कहे मती कहवे कि नहीं कहवे मैं खुद भाई हूं मन था लेकिन सदैव ध्यान रखनो चौखी बात फैलावनी चोखी बात खूब फैलानी गलत बात होवे बिन घणी नहीं फैलानी हो सके तो गलती करनी रे मुंडा पर कह देवनी उन्हें नहीं समझ आवे तो जो समाधान कर सके बिन कह देवनी पछे बीच मु सरक जावण अबे परमात्मा बैठो है निमित बनाए निकाल दिया थे सुलझो पड़िया समझ गया और पहुंच गई और सासू ने कहे मारो वीरो आइयो मारो वीरो आइयो मारो वीरो आइयो और डागले माथू जार छत माथे चढ़ गई और छाजे माथे नाचे भाई ऊपी रंग रे छाजे गुड़ नारे जांजर
ये परे लो